तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। आज वैसे जन्माष्टमी है और आज एक खास बात है व्लॉग में। आज व्लॉग रात में शूट हो रहा है, लगभग बज रहे हैं अभी आठ बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं जन्माष्टमी देखने। यहाँ पे मतलब सेलिब्रेट होती हैं। इस बार वैसे भीड़ कम होगी क्योंकि थर्ड वेव आने की हो रही है, इस वजह से अब देखते हैं भीड़ मतलब कैसी है, क्या सीन चल रहा है वहाँ पर। तो देखते हैं जाके और चलते हैं फिर। सबसे पहला मंदिर जो कि हमारे घर के सबसे पास है, वो अभी जस्ट पहुंच गए हैं वहाँ पे और अभी दिखाता हूँ यहाँ का सीन क्या चल रहा है। ज़्यादा रश तो है नहीं, पिछली बार जितना रश था ना उससे तो अब बहुत कम रश है। पिछली बार हर बार बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, लेकिन आपकी बार कम है थोड़ा। अभी दिखाता हूँ आप, बहुत सही सजावट कर रखी है इस बार तो, और यहाँ पे इस टाइप से वो लगवा रखे हैं, इधर से जाने का है इधर से आने का है। तो चल रहे हैं। भीड़ नहीं है ना, कम आई है। हाँ, यहाँ पे अभी कुछ मैटर वैटर भी हो गया तो उस चक्कर में पुलिस भी घूम रही है, तो इस समय ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। ये रही पहली यहाँ की, और ऐसे सेलिब्रेट होता है हमारे यहाँ पे वो है आनवान करने का है। और ये रहे हमारे जिन्होंने बनाई है झांकी, खाया कर दे भाई। तो भाई साहब कितने साल से बना रहे हैं आप ये? तो कितना टाइम लगा कम से कम बनाने में? दो घंटे। पूरा दिन लगा भाई, मेहनत बहुत करते हैं बंदे, हर बार यही बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, पिछली बार ही बनाई थी इन्होंने, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाते रहो हर साल और मौज करते रहो, ठीक है। तो आ गए हम दूसरी जगह, यहाँ पे बैठे हैं हनुमान जी, यहाँ पे गदा लेके एकदम। और ठीक हो सर? ये देखो सब हनुमान जी, और ये आ जाए भाई, ये भी गले में देख गली में घूमते रहता है, देखो कैसे बैठा है शांति से। ये रहे भाई, वो रहे कृष्ण जी और वो रही राधा जी, दूसरे वाले ऐसे कर दे। ये देखो आप भी कर दो सर दोनों, और फिर आगे चलते हैं। चलो अब बहुत सारी लगी हुई हैं इस टाइप से ही, मतलब हर बार सजाते हैं। ये रहे सब में लगा हुआ है, और वो देखो कितने छोटे छोटे बच्चे बिठा रखे हैं वहाँ पे। तो अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है यहाँ पे, अभी मतलब जितनी भीड़ नहीं थी जब हम आए थे, अब लेकिन धीरे धीरे बढ़ी जा रही है। और फिलहाल ये सबसे ज़्यादा सुंदर यही वाला सस्ता है जो देखने लायक होता है, लेकिन यहाँ पे ना शायद मेरे ख्याल से ब्लॉग नहीं बनाने देंगे, शायद बनाने भी दे सकते हैं, अभी देखते हैं जाके जो भी होता है देखते हैं बना के। और कृष्ण जी इतना प्यारा सजा हुआ है देखो। नींद आ रही थी रात में, रात भी हो गई, आज थक गया मैं, सुबह से काम ही कर रहा था, लेकिन फिर आ ही गए। आपके चक्कर में ऐसे पता चल गया ब्लॉग। अभी आगे बना लेंगे हम, अभी दूसरे मंदिर घूम आते हैं, लेकिन अभी थोड़ी बहुत झांकी रह गई वो दिखा देता हूँ। और लेकिन राधा कृष्ण मंदिर हम अभी आगे ब्लॉग कर लेंगे दोबारा। ये देखो सब यहीं पे हैं, सब आए हुए। तो ये रही दूसरी झांकी हमारी, अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे सब बच्चा पार्टी की भीड़ लगी पड़ी है। ये सुनाओ भाई। ये देखो डांस देखो, ये ट्रोल कंट्रोल उधर। हेलो, डांस वांस चल रहा है यहाँ पे। Yeah.
दूसरे मंदिर पे तो चलते हैं फिर सब में भीड़ ही भीड़ पूरा रास्ता। वैसे तो रात में खाली रहेगा लेकिन यहाँ पे सब में भीड़ मेले वेले लगे हुए हैं पूरे एकदम मस्त टाइप से। आइसक्रीम आइसक्रीम के ठेले हमारा ये लंबा ब्लॉग बिल्कुल थोड़ा लंबा रहेगा ये ब्लॉग क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग हमारे छोटे रहते हैं लेकिन हाँ लंबा रहेगा ज़्यादा शायद कोशिश पूरी करी जाएगी ये कोशिश करी जाएगी लंबा ब्लॉग लगता है। अरे यहाँ पे सब में हम दूसरे मंदिर पे और ये स्टार्टिंग है यहाँ की बिल्कुल सजा रखा है अच्छे से झालर वाले लगा के ये रहा यहाँ पे आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको बहुत देर गाने चल रहे हैं। ये रहा मंदिर पूरा अंदर मंदिर ही मंदिर है पूरा अंदर मंदिर बना हुआ है। चलते हैं यहाँ से अब इधर चलेंगे। ये बहुत सही सजावट हुई बढ़िया जैसे शादी में होती है ना आज तो उससे भी बढ़िया सजावट मिलेगी सब में बिल्कुल। यहाँ पे ये नया मंदिर बना हुआ है यहाँ पे अभी जस्ट अभी बना है ये देखो क्या लगा दिया इसके स्टैम्प सब पे और यहाँ पे नया मंदिर बना हुआ है चला मुझे तो लग रहा है आज बहुत ज़्यादा थकावट होने वाली है डबल वाली क्योंकि सुबह भी थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा और अब भी हो रही है अब तो और हो जाएगी। फिलहाल हमारी तीसरे वाले मंदिर में एंट्री हो चुकी है तो दिखाता हूँ अभी आपको। ये बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती हमेशा और बिल्कुल सही है यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। मेरे लट्टू को पालने कमाल जो मिले थे ना उन्होंने यहाँ पे ये और लगा दिया इसके भी लगाया था यहाँ पे भी लगाया था गालों पे हमने गालों से साफ कर लिया। और फिलहाल आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है मुझे लग रहा है मैं पूरा दिन बोर जा रहे थे नहीं तो हम वैसे ही दोनों घर पे खाली खाली बिल्कुल खाली खाली बोरिंग लेकिन अब शायद कुछ खुश हो जाए। हम पहुंच गए हैं हमारा लास्ट मंदिर और शायद इसके बाद अभी हम एक और मंदिर जाएं लेकिन इस वाले मंदिर की तो डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर रखी है। ये हमारा डेली बिल्कुल मंदिर है। जैसे मैरिज वैरिज हो रही हो ना कोई उस टाइप से डेकोरेशन हुई भी है बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल सेम जहाँ भी जा रहा हूँ ना आज तो मतलब ऐसा ही लग रहा है पिछली बार से लेकिन बहुत बेहतरीन वाली डेकोरेशन करी गई है। अब नया भी बनवाया गया है थोड़ा बहुत मंदिर ये वाला यहाँ पे सब चप्पल लेती हैं चप्पल वप्पल उतारनी पड़ जाएगी शायद क्या करें तो वहाँ पे तो चप्पल उतारने गेम नहीं था। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays.
तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और लेकिन अब मैं मंदिर में जाकर रिकॉर्ड करूँगा तो वहाँ पे और भी शोर होगा, क्योंकि वहाँ पे सब में गाने वाने बज रहे होंगे। अब देखते हैं जाके घर के पास वाले मंदिर में जिसमें हम सबसे पहले गए थे, वहाँ से हम आ गए थे जल्दी क्योंकि वहाँ उस समय बहुत भीड़ हो रही थी। तो हमने डिसाइड करा था अभी थोड़ी देर में जाके बनाएंगे। फिलहाल हमने सब जगह टूर कर लिया, अब हम लास्ट में बस हमारा घर के पास वाला मंदिर ही बचा है जहाँ पे अब हम जा रहे हैं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे और फिर मैं ब्लॉग को एंड कर दूंगा। और आज तो वैसे मन नहीं कर रहा था मेरा ब्लॉग शूट करने का, लेकिन क्योंकि सुबह से ही ना बोरियत वाली फीलिंग आ रही थी, तो बोरियत वाली फीलिंग आते आते ऐसा मन हो गया बस कि अब कुछ करना ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने ब्लॉग रिकॉर्ड करा, अब चल रहे हैं दिखा। और फिलहाल यहाँ पे भीड़ तो मुझे कम लग नहीं रही है, हम तो ये सोच रहे थे कि भीड़ कम होगी, लेकिन भीड़ तो अभी भी बहुत है, वहाँ पे भी वही भीड़ लग रही है। लेकिन अब हम वेट नहीं करेंगे और हम तो चले जाएंगे क्योंकि लेट हो चुका है, सुबह को स्कूल भी जाना है, फिर और भी काम है। तो अब जल्दी बस इस ब्लॉग को कर दूंगा मैं एंड घर पे जाके। और आज का दिन वैसे बहुत रात बहुत बढ़िया गई, पहली बार ये सुनने को मिल रहा होगा, रात बहुत बढ़िया गई, अब थकान हो गई बहुत ज़्यादा, अब तो मैं सो जाऊंगा, रात को उठ के देखता हूँ बीच में ब्लॉग की एडिटिंग कर लूँगा, लेकिन मुझे बताया हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल का भी वर्कलोड है इस समय। तो फिलहाल अब चलते हैं घर पे वापसी, वहाँ पे जाके मैं ब्लॉग ऐड करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। ठीक है, तो गाइस इतने फाइनली इतने कठिन परिश्रम के बाद हम घर पहुँच ही गए, और इतनी भीड़ थी हम सोच रहे थे इस बार भीड़ नहीं होगी क्योंकि थर्ड वेव आ रही है, लेकिन सही में हाँ थर्ड वेव का डर ही नहीं किसी में, ऐसी लग रहा था। मास्क भी नहीं था किसी के पास भी, वैसे मास्क हमारे पास आपको इस समय नहीं लग रहा है, लेकिन हम लगा के गए थे, हमने अंदर रखी आए अभी क्योंकि लाइट जलाने गया था, यहाँ पे अंधेरा हो रहा था, तो फिलहाल वहाँ पे किसी भी मास्क भी नहीं था, हमने मास्क लगा रखा था, बाकी सब ऐसे घूम रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या कर सकते हैं अब। लेकिन बस हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं सबसे कि थर्ड वेव आ रही है गाइस, जितना आप सुरक्षित रह सकें, अपने आप को रख सकें, उतना रखिए, मास्क वास्क लगाइए है, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे कम जाइए ज़रा थोड़ा, सैनिटाइजर बार बार आपको पता ही था सब सीन, तो बताइए आपको कि थर्ड वेव वाले पेशेंट अब बढ़े जा रहे हैं, पहले आशंका कम थी लेकिन अब ऑन द इंक्रीज चले जा रहे हैं। तो फिलहाल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टे होम स्टे सेफ, और जितना ध्यान रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा उतना रखिए अपने घर वालों का अपना, और सुरक्षित रहिए। तो इसी के साथ अब मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड फाइनली, अब मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तो गाइस अभी के लिए बाय बाय, चल ठीक है फिर बाय। Have you ever met someone you could not get back?